हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक प्रीमियम हैचबैक का, टाटा एल्ट्रॉस। फोर्थ जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है दो इंजन ऑप्शंस के साथ, पेट्रोल एंड डीजल। ऑटोमेटिक का फीचर नहीं मिलेगा आपको टाटा एल्ट्रॉस में। टोटल 22 वर्जन्स मिलते हैं आपको एल्ट्रॉस में। शुरू होता है 5,95,000 रुपीज़ से लेके 10,65,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस। ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं, टॉप वेरियंट एग्जैक्ट ऑप्शनल वेरियंट, जो पड़ेगा आपको 10,65,000 रुपये का। फ्रंट पे मिलती है आपको हाई ग्लॉस ब्लैक ग्रिल क्रोम आउटलाइन के साथ, ये है टाटा का लोगो। हाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलता है आपको फ्रंट ग्रिल पे भी, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ मिलते हैं आपको डुअल चैम्बर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन बल्ब मिलता है आपको इन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स पे। नीचे आपको मिलता है DRL एंड फॉग लैम्प, कॉर्निंग लैम्प का भी फंक्शन मिलेगा आपको फॉग लैम्प्स पे। ये इसकी लोअर ग्रिल। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलता है इंडिपेंडेंट मैक पियर्सन डुअल पाथ फ्रस का सस्पेंशन विद कॉयल स्प्रिंग, पीछे आपको मिलता है ट्विस्ट बीम विद कॉयल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर का सस्पेंशन एल्ट्रॉस के हर वेरिएंट के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स का भी फीचर मिलेगा आपको इस वाले वेरिएंट में। यहाँ मिलते हैं आपको दो वाइपर्स और यहाँ पे मिलता है आपको सेंसर, ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ, आगे मिलता है आपको एंटीना, और यहाँ पे मिलते हैं आपको लेजर डायमंड कट अलॉय व्हील्स 16 इंच में। इनका टायर रेशो है 195/55 R16 का पेट्रोल वेरिएंट के साथ। अगर आप डीजल लेते हैं तो 185/60 मिलेगा आपको 16 इंच में। यहाँ मिलता है आपको टर्न इंडिकेटर, हाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको ORBMs मिलता है क्रोम इंसर्ट के साथ, जो लगता है काफ़ी शानदार। बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, बी पिलर मिलता है आपको ब्लैकेंड, और यहाँ मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में विंडो बेल्ट लाइन, जिसको टाटा बोलती है कॉमेट शूट लाइन। सी पिलर में आपको डोर हैंडल्स मिलेगा मैट फिनिश के साथ, और ये है इसका रियर प्रोफाइल लुक। इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर मिलता है आपको, वो भी मिलेगा आपको पियानो ब्लैक फिनिश में टेल गेट अपलीक के साथ, और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप। एंड रियर बम्पर में मिलता है आपको फॉग लैंप दो रिफ्लेक्टर के साथ, और कुछ ऐसी लगती हैं इसकी टेल लाइट्स एंड ब्रेक लाइट ऑन होने के बाद। पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है आपको इधर भी, ओवरऑल कार पे देखने को मिल रहा है पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे मिलती है आपको एल्ट्रॉस की बैजिंग, ऊपर मिलेगा आपको टाटा का लोगो, टेल गेट अपलीक मिलती है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में, और यहाँ मिलेंगे आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, चार नहीं मिलेंगे, और ये रिफ्लेक्टर, ये रियर फॉग लैंप, और ये राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको एल्ट्रॉस में। राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको एग्जॉस्ट टेल पाइप। आइए इसका बूट खोल के देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको टाटा के लोगों के नीचे। यहाँ मिलता है आपको 345 लीटर्स का बूट स्पेस। इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर नहीं मिलेगा आपको इधर, आप देख सकते हैं। शॉपिंग हुक का भी फीचर नहीं मिलेगा। एंड स्पेयर टायर आपको मिलेगा 14 इंच में हर वेरिएंट के साथ, और यहाँ मिल जाती है आपको टूल किट। इसके कंपटीशन की बात करें तो बलेनो एंड ग्लैंजा में मिलता है आपको 339 लीटर्स का बूट स्पेस, i20 में मिलता है आपको 285 लीटर्स का बूट स्पेस, एंड होंडा जैज में मिलेगा आपको 354 लीटर्स का बूट स्पेस। और यहाँ पे बेंच फोल्ड का फीचर मिलेगा, 60-40 का फीचर नहीं मिलता आपको एल्ट्रॉस में। और यहाँ मिलता है आपको ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे मिलता है आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। सी पिलर पे मिलता है आपको डोर हैंडल, यहाँ मिलती है आपको डुअल टोन कलर में डोर पैडिंग ब्लैक एंड बेज, पावर विंडो का स्विच, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिलता है आपको फैब्रिक इंसर्ट के साथ, यूटिलिटी स्पेस नहीं मिलेगा आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे। मेटल फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल मिलेगा, ये ट्वीटर, नीचे मिलता है आपको स्पीकर, डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, और यहाँ मिल जाता है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक, कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर डोर। 90 डिग्री ओपनिंग डोर का फीचर मिलता है आपको चारों डोर्स पे, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको रियर सीट्स पे, फ्लैट फ्लोर का फीचर मिलता है आपको रियर सीट्स पे, आप देख सकते हैं कोई हम्प नहीं मिलेगा हर वेरिएंट के साथ। बैक पॉकेट का ऑप्शन मिलता है आपको, और यहाँ मिलता है आपको रियर एसी वेंट, इसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। नीचे मिलता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, उसके ऊपर स्पेस मिलती है। लाइकवाइज आपको पैसेंजर सीट के पीछे भी बैक पॉकेट का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर द फ्रंट रो सीट्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स दोनों साइड। और इस डोर को खोलेंगे तो यहाँ पे भी आपको डोर पॉकेट मिलती है, स्पीकर, ट्वीटर, मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल, डोल टोन में डोर पैडिंग, और ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का भी फीचर मिलता है आपको इधर, और यहाँ मिलते हैं आपको चार माउंट्स, आप देख सकते हैं। फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री का फीचर मिलेगा वाइट स्टिचिंग के साथ, कुछ ऐसा दिखता है इसका फैब्रिक। यहाँ मिलता है आपको रियर आर्मरेस्ट विदाउट कप होल्डर्स, और इसकी रियर पार्सल ट्रे, और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड सेकंड रो से। और ये गाड़ी को ऑन करने के बाद की लुक, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको, यहाँ मिलता है आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल विद कोट हुक,
और लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा कोट हुक का फीचर, और यहाँ पे कोई रीडिंग लाइट का फीचर देखने को नहीं मिल रहा। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलेगी आपको 3990 mm की, विड्थ है 1755, हाइट है 1523 एंड व्हील बेस है 2501 mm का। विड्थ इसकी सेगमेंट बेस्ट मिलती है आपको प्रीमियम हैचबैक में, एंड व्हील बेस मिलता है आपको सेगमेंट लोएस्ट प्रीमियम हैचबैक में। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 165 mm का। टर्निंग रेडियस है 5 meters। कर्व वेट डिपेंड करते हैं वेरिएंट टू वेरिएंट, एंड ग्रॉस वेट है 1405 kg का। सेफ्टी की बात करें तो इधर मिलेंगे आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, फ्रंट सीट बेल्ट्स विद लोड लिमिटर, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर, स्मार्ट रियर वाइपर विद वॉश, ड्राइव अवे लॉकिंग, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, वॉइस अलर्ट्स फॉर सीट बेल्ट रिमाइंडर, टेल गेट ओपन, ड्राइव मोड्स, डोर ओपन, इमोबलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग विद स्मार्ट एंट्री सिस्टम, रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक एंड की लॉकआउट प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको टाटा एल्ट्रॉस के टॉप वेरिएंट के साथ। और इसको मिली है 5-star रेटिंग ग्लोबल एंड कैप में। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन मिले हैं इसको 5 stars, 16.13 points मिले हैं आउट ऑफ 17, और ये फर्स्ट इंडियन मेड हैचबैक है जिसने अचीवमेंट हासिल करी है। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन मिले हैं इसको 3 stars, और कुछ ऐसे दिखते हैं इसके DRLs ऑन होने के बाद। और उसके साथ में है फॉग लैंप। डुअल चैम्बर में आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, ये इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। हाई बीम भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगा लाइक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में मिले हैं इसको 29 points आउट ऑफ 49। अल्फा आर्किटेक्चर पे बनी है टाटा एल्ट्रॉस। अल्फा स्टैंड्स फॉर एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आता है एनर्जी एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर के साथ। पुणे महाराष्ट्र में इसकी असेंबली होती है, और ये लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2020 को। बहुत ही जल्द इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होने वाला है लेट 2020 में या 2021 ईयर में लाइक टाटा नेक्सॉन। उसका भी आप रिव्यू देख सकते हैं ऊपर आई बटन से। ये इसका रियर प्रोफाइल लुक और इसकी टेल लाइट्स ब्रेक लाइट के साथ। नीचे मिलता है आपको फॉग लैंप, और इस गाड़ी के साथ मिलते हैं आपको 2 remote keys। यहाँ पे मिलता है आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का भी फीचर। रिमोट की पे भी आपको इसका बटन मिलेगा। एंड इसके एग्जिट वेरिएंट की बात करें, जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये है एग्जिट वेरिएंट। सारे फीचर्स आपको सेम मिलते हैं एग्जिट ऑप्शनल वाले एक्सेप्ट ब्लैक रूफ। आप एग्जिट वेरिएंट अर्बन पैकेज के साथ भी ले सकते हैं, उधर आपको ब्लैक रूफ मिल जाता है। हर वेरिएंट के साथ आपको पैकेज अलग मिलेगा। XE के साथ मिलता है आपको रिदम, XM के साथ आपको रिदम प्लस स्टाइल मिलेगा, एंड XT के साथ मिलेगा आपको लक्स। और कुछ ऐसा दिखता है इसका हाई स्ट्रीट गोल्ड कलर, जो लगता है काफ़ी शानदार इस गाड़ी पे। और ये है इसका ग्रे कलर। सिल्वर कलर का भी ऑप्शन मिलता है आपको एल्ट्रॉज में। यहाँ पे मिलता है आपको लॉक अनलॉक, बूट खोलने का बटन एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का बटन। आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। ड्यूअल टोन कलर में डोर पैडिंग मिलती है आपको। यहाँ मिलते हैं आपको पावर विंडो के स्विचेस, ऑटो डाउन का फीचर मिलेगा आपको ड्राइवर साइड विंडो पे, ऑटो अप का नहीं मिलेगा। ORVMs के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड रिट्रैक्ट कर पाएंगे। मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल, ट्विटर स्पीकर, फ्रंट मैप पॉकेट, 1 liter बॉटल होल्डर के साथ। अम्ब्रेला होल्डर का भी फीचर मिलता है आपको फ्रंट 2 doors पे, रियर 2 doors पे नहीं मिलेगा। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट फैब्रिक इंसर्ट के साथ। और कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड से इंटीरियर टाटा एल्ट्रॉस के टॉप वेरिएंट का। AC वेंट, सैटिन क्रोम फिनिश का काम है इधर। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे, और उसके साथ में है फॉग लैंप के बटन और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन। ये इसके पेडल्स, डेड पेडल का भी आपको फीचर मिलता है, और यहाँ मिल जाता है आपको यूटिलिटी स्पेस ड्राइवर साइड पे। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फीचर मिलेगा आपको इधर। और कुछ ऐसी दिखती हैं इसकी सीट्स, फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको इधर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। फ्लैट बॉटम डिज़ाइन स्टेयरिंग व्हील मिलेगा लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील के साथ। थंब कंट्रोल का भी फीचर मिलता है, सेटिन क्रोम का काम है इधर। बीच में मिलता है आपको टाटा का लोगो। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का फीचर मिलता है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स। वॉइस कमांड का भी फीचर है। क्लासिक सेटिन क्रोम फिनिश में डैशबोर्ड लेआउट मिलता है आपको टाटा एल्ट्रॉस में। राइट हैंड साइड पे मिलते हैं आपको क्रूज कंट्रोल के बटन, और यहाँ पे है लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स ऑटो हेडलैम्प फीचर के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे है वाइपर एंड वॉशर के। रेन सेंसिंग वाइपर्स का भी फीचर मिलता है, और यहाँ मिलता है आपको स्टेयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट वे में। टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं है। इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे मिलते हैं इसके कंट्रोल्स। ये इसके AC वेंट, बीच में मिलता है आपको हैजार्ड लाइट का बटन, और यहाँ मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर, और उसके साथ में मिलता है आपको सेंसर। 12 volt का पावर एसेसरी सॉकेट का फीचर मिलता है आपको फर्स्ट रो में लाइक सेकंड रो। उसके साथ में ऑक्स और USB के पोर्ट्स। यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस, 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स। ये है CT मोड एंड इको मोड का बटन।
सेटिन क्रोम फिनिश का काम है। इधर भी हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ मिलता है आपको। यहाँ मिलेंगे आपको दो कप होल्डर्स, फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है आपको स्लाइडेबल फैब्रिक इंसर्ट के साथ। इसको खोलेंगे तो अंदर भी आपको यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है, बढ़िया फीचर। और यहाँ मिल जाता है आपको कूल ग्लव बॉक्स जिसकी कैपेसिटी है 15 लीटर्स की। अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको इधर। इल्यूमिनेशन लैम्प पे मिलेगा जो आता है हेलोजन बल्ब में। पैसेंजर साइड सनवाइजर पे आपको मिलता है वैनिटी मिरर का फीचर। यह है ब्लूटूथ माइक, यहाँ पे स्पेस है। LED में मिलेंगे आपको रीडिंग लाइट्स, IRVM एडजस्टेबल मिलेगा। ड्राइवर साइड सनवाइजर पे मिलता है आपको टिकट होल्डर का फीचर। ये इसका डैशबोर्ड लुक, क्लासिक सैटिन क्रोम फिनिश मिलता है आपको डैशबोर्ड लेआउट पे। ए पिलर्स पे मिलते हैं आपको ट्विटर का फीचर, एम्बियंट लाइटिंग का फीचर मिलता है आपको जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे भी आपको मिलेगा, पूरी गाड़ी में देखने को मिल रहा है ये। आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। और यहाँ मिलता है आपको 7 इंच में TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। कॉम्पिटिशन में ये देखने को नहीं मिलेगा आपको किसी भी गाड़ी में। ये दिखाता है वेरियस इन्फॉर्मेशन लाइक डिस्टेंस टू MT, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, नेविगेशन एंड मीडिया इन्फॉर्मेशन, सर्विस ड्यू रिमाइंडर, डोर ओपन वार्निंग, क्रूज कंट्रोल डिस्प्ले, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल टाइम देखने को भी मिल रहा है इस MID पे, डिजिटल फ्यूल गॉज। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको RPM मीटर, राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको स्पीडोमीटर। और यहाँ पे आपको मिलता है हरमन का 7 इंच में फ्लोटिंग डैशटॉप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रेडियो, ब्लूटूथ, USB, iPad कनेक्टिविटी को। टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स का ऑप्शन मिलता है आपको। ये है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो आता है डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ। नीचे आपको इसके डेडिकेटेड बटन्स भी मिल जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इधर। और ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो आता है डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ। और यहाँ पे मिलता है आपको ऑटो डाउन का फीचर ड्राइवर साइड विंडो पे। ऑटो अप का फीचर नहीं मिलेगा आपको किसी भी वेरिएंट में। ये हैं इसके ORVMs के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड ट्रैक कर पाएंगे आप। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर नहीं मिलता आपको टाटा एल्ट्रॉज में। और यहाँ मिल जाता है आपको वाइट कलर की इल्यूमिनेशन लाइट, ये फॉग लैंप के बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप। और ये है सिटी मोड एंड इको मोड का बटन जो आपको MID पे भी देखने को मिलेगा। और ये डोर ओपन वार्निंग कुछ ऐसा लगता है ये डिस्प्ले। फ्लैट फ्लोर का फीचर मिलता है आपको सेकंड रो सीट्स पे, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स के साथ जो किसी भी गाड़ी में अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। फ्रंट पैसेंजर डोर कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर फ्रंट पैसेंजर साइड से। फ्रंट पे मिलती है आपको डिस्क ब्रेक्स, रियर में मिलती है आपको ड्रम ब्रेक्स टाटा एल्ट्रोस के हर वेरिएंट के साथ। और यहाँ पे मिलती है आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और यहाँ मिल जाती है आपको डैम्पनिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। और इधर देखने को मिल रहा है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन BS6 पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है आपको इधर। 85 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा 113 NM टॉर्क के साथ। 19.05 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम करती है। और आता है ये सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। डीजल में भी आपको ऑप्शन मिलता है जो आएगा 1.5 लीटर के साथ। 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है आपको जो प्रोड्यूस करेगा 89 BHP की पावर 200 NM टॉर्क के साथ। इधर कंपनी माइलेज क्लेम करती है 25.11 की। और ये भी अवेलेबल है सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। ऑटोमेटिक का फीचर नहीं मिलता आपको टाटा एल्ट्रॉज में। और बहुत ही जल्द इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होने वाला है लाइक टाटा नेक्सॉन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको टाटा एल्ट्रॉज हमें कमेंट करके बताइए, आप इसको लेना पसंद करेंगे कि नहीं एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।